राजस्थान में कैबिनेट का गठन हो गया है और इसके साथ ही नाराजगी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राजस्थान में समाज ने खफा होते हुए कहा है कि एक मुस्लिम विधायक को ही मंत्री क्यों बनाया गया, तो वहीं मुस्लिम समाज और संगठनों ने भी गहलोत सरकार पर मुसलमानों के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब सूबे के मुस्लिम संगठन को लगने लगा है कि कहीं कांग्रेस ने उन्हें ठगा तो नहीं। तो वहीं सोचने वाली बात तो ये है कि जब कांग्रेस के 7 विधायक इस बार बने हैं तो फिर सिर्फ एक ही का चुनाव क्यों किया गया कैबिनेट का हिस्सा बनाने के लिए। अब पार्टी का ये तर्क है कि जिन विधायकों ने पहली बार जीत दर्ज की है उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो वहीं 5 विधायक ऐसे हैं जो कि पहली बार विधायक बने हैं। साथ ही कांग्रेस के 3 विधायक ऐसे हैं जो एक बार से ज्यादा बार जीत हासिल कर चुके हैं। इस फॉर्मूले के तहत ही अशोक गहलोत ने कैबिनेट में पोखरण विधायक सालेह मोहम्मद को तरजीह दी है, जबकि जाहिदा खान का नाम भी सामने आ रहा था। ऐसे में कांग्रेस की ये सोच हो सकती है कि अभी जिन 5 मंत्री पद को खाली रखा गया है उसे लेकर कोई सियासी गणित खेल सकती है, क्योंकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कयास है कि इसलिए पार्टी आला कमान ने इस बारे में अभी तक कोई फैसला लिया नहीं है। हो सकता है कि मुस्लिम संगठनों की आपत्ति के बाद पार्टी इन खाली पड़े पदों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। मगर एक बात ये भी है कि अब राजस्थान में मुसलमानों के लिए दिल्ली तक आवाज़ उठाने के लिए कोई मुस्लिम नेता नहीं है और शायद इसी वजह से पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम विधायक को मंत्री बनाकर भरपाई करने की कोशिश की है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।